हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। ये जो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है उसमें हम आज तीसरा दिन मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए चौथा दिन है। आप लोग से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी क्लास ट्वेल्थ में बच्चे हैं डेली के डेली मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, डेली 10 क्वेश्चन के साथ आ रहा हूँ। और मैंने जो 120 दिन के लिए आप लोग का बैच स्टार्ट किया है, आइए इस बैच के साथ आप लोग भी जुड़िए और इसका एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे डेली, आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आइए आज हम 5.2 के क्वेश्चन को कुछ लेकर आए हैं और यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं कि डिफरेंसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी तो चेक कर रहे थे, कहीं कहीं भी डिफरेंसिबिलिटी चेक करने को देता है और डिफरेंसिएशन यहाँ पे कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। कैसे करेंगे आप समझते हैं भैया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी हम कहते हैं कि लेट y इक्वल टू दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें डिफरेंशिएशन इसका निकालना है। यदि क्लास 11th में आप पढ़े होंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव तो काफी अच्छे से ये निकाल ली होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। बट आओ समझते हैं भाई, यदि नहीं पढ़े हैं तब कैसे करेंगे सर, वही हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन आप करना चाहते हो तो डायरेक्ट के डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। कहोगे कैसे, देखो यार अगर हम वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy by dx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम x के सापेक्ष यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जो मेरा ये दिया है पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन x का क्या होगा, cos x। अब ये देखिए थीटा है, थीटा मेरा ओनली फॉर x तो नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको थीटा को जस का तस लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे डायरेक्ट मेरा साइन एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिख रहे होते, कॉस एक्स लिख रहे होते, ठीक है। लेकिन जब मेरा ये इस तरह से दिया है तो हम कैसे करेंगे, फिर हम क्या करते हैं कि जो मेरा थीटा रहता है डिफरेंशिएशन हम उसका कर रहे होते हैं। तो डी वाई डी एक्स इसका हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। पहले हम क्या लिख लिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब किसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलोगे कि सर एक्स के पावर एन इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस 1। यहाँ पे एक्स के पावर 2 दिया है तो बताइए यहाँ पे 2 होगा और 2 माइनस 1 यानी 2x यहाँ पे होगा, बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 5 है तो 5 का क्या होगा यहाँ पे 0, ओके। अब बताइए यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर हो जाएगा। एक ठो ये तो मान लीजिए कि हम इस तरह से डिफरेंशिएशन यहाँ पे करते हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी हम देखिए यहाँ पे जब बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे हम चैन रूल का एक यूज करते हैं। कौन सा रूल, चैन रूल क्या होता है, तो अब इसको समझिए चैन रूल होता क्या है। चैन रूल के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई लेट y इक्वल टू हम साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है मेरा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये इसको हम क्या करेंगे कि कुछ मानेंगे, तो लेट हम इसको मान लेते हैं कि t इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके। t इक्वल टू क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन t। भाई हम थीटा की जगह पे क्या रख लिए, t रख लिए। अब देखिए, अरे अब इसका हम क्या करेंगे कि इसका हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो dt by यहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा 0। तो चैन रूल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि dy by dx इक्वल टू dy by dt इंटू dt by dx, ओके। तो हम चैन रूल के फार्मूले पर यहाँ पे क्या करेंगे, हम रखेंगे।
अब देखिए, अब इसका बोलिए तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन t, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन t। तो बताइए dy बाई dx आपका क्या निकल गया, dy बाई dt। अब कहोगे कि सर आप क्यों t ले रहे हो, हम t इसलिए ले रहे हैं भैया क्योंकि हम साइन इसको t के सापेक्ष यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का cos t। अब क्या करोगे आप इसमें वैल्यू को पुट कर दो, dy बाई dt की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे cos t है, फिर dt बाई dx की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे 2x है। अब देखो t के जगह पे फिर से वैल्यू पुट कर दो, क्या माने थे t के जगह पे x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। अब बताओ यहाँ पे 2x cos x स्क्वायर प्लस तुम्हें 5 आ जा रहा है, यही तुम्हारा क्या हो जा रहा है आंसर हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहे होंगे करेंगे, ओके कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, तो लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। बोलो यदि आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो तो dy बाई dx। अब बताइए डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, पहले इसका करेंगे ठीक है, फिर थीटा का करेंगे। बोलो तो कॉस का क्या होगा माइनस साइन। अब इसको क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन यहाँ पे कॉस एक्स, हो गया खत्म हो गया। अरे यार यही तो था भाई, कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन, फिर थीटा के जगह पे थीटा लिख दिया, अब थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया कॉस एक्स। अब फिर करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो लेट वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। बोलो तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो साइन एक्स का क्या होगा तो यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी। अब फिर बोलो ए एक्स प्लस बी यानी ए एक्स प्लस बी इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ए आएगा और यहाँ पे इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे ए कॉस ए एक्स प्लस बी यही तुम्हारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जैसे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा, तो पहले हम क्या कर लेते हैं इसको मिटा भी यहाँ पे लेते हैं। क्या दिया है, तो लेट हम मानेंगे y इक्वल टू सेक टैन अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, कैसे करोगे आप ये देखो। देखो यार इसको करने के लिए थोड़ा ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे आखिर कैसे यहाँ पे ध्यान से समझना। तो यहाँ पे हम इसको यदि dy by dx ले रहे हैं तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका करोगे तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec x into tan x, तो sec tan थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे tan under root x। अब फिर क्या लिखेंगे sec x और फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे tan x, ओके फिर अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे आप थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे, तो थीटा यानी इसका क्या होगा तो सेक स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट एक्स। अब फिर किसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो रूट में एक्स का, तो क्या आएगा वन बाई टू और यहाँ पे रूट में एक्स। भाई एक्स के पावर वन बाई टू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस वन बाई टू यानी वन बाई टू रूट एक्स, यही तो हो जाएगा क्यों यही तो होगा। अब बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है सर। बोलिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, यही आएगा आपका कि वन बाई टू रूट एक्स यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और यहाँ पे सेक टैन अंडर रूट एक्स और टैन टैन अंडर रूट एक्स, यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर हम चेक कर भी लेते हैं, एक बार इसका आंसर हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या आया है। हाँ जी सही है, हाँ सही। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हम 5 यहीं पे देख लेते हैं। बताइए लेट y इक्वल टू साइन
एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो dy बाई डी एक्स हम इसका कैसे निकालेंगे बोलो, हर हर फिर अंश का डिफरेंशिएशन, तो हर सी एक्स प्लस डी इंटू अंश का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए कॉस एक्स, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए होगा, क्योंकि बी आपका जीरो हो जाएगा, ए एक्स का ए होगा, फिर माइनस, फिर बोलिए अंश, अंश को जस का तस लिख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे तो हर का, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस का तो माइनस साइन, माइनस माइनस क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, अच्छा सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन हम कर रहे होंगे तो क्या आएगा सी आएगा, फिर बताइए कॉस यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके अगर यहां तक भी आप कर दिए तो आपका क्या है आंसर सही है, यदि आप इसे तोड़ना चाहते हैं, यदि आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी लेंगे तो क्या फायदा होगा, अलग अलग भी कर लेंगे। आंसर इसका क्या दिया है, आंसर इसका क्या दिया है, हाँ जी आंसर चूंकि इसका तोड़ तोड़ के बना दिया है, आंसर इसका कुछ एनसीईआरटी से आप देखेंगे, एनसीईआरटी से मैच कराएंगे तो कुछ इस तरह से आंसर दिया है, लेकिन आप यहां तक भी करके छोड़ दे रहे हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, बाई क्या होगा यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर और फिर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी और फिर साइन सी एक्स प्लस डी, फिर और यहाँ पे सी जो है और यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी और यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर। ओके जो साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी इसका हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और एक ऊपर आपका चला जाएगा तो कॉस ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी और ये हो जाएगा आपका। तो बताइए एक से एक आपका कटेगा क्या हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे दो थो है तो एक तो कट जाएगा यहाँ पे फिर क्या आएगा सेक सी एक्स प्लस बी और यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि कॉस ए एक्स प्लस बी फिर बोलो बाबू अब तुम देखोगे कि सी टेन सी एक्स प्लस डी और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी और यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा साइन सी एक्स प्लस डी यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो हम क्या करेंगे कि इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन बोलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स लेट y इक्वल टू कॉस एक्स का क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव यही तो दिया है ना, यही तो दिया है ना, एक बार देख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स का पावर फाइव यही दिया है। चलिए सही कॉस एक्स का क्यूब सही है जी। अब देखिए जी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जब आप डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे तो बोलो पहला बार पहला दूसरा फंक्शन इसको मान के हम सॉल्व करना पड़ेगा हमें, पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का बोलो, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं इसको हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं, इस तरह के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आइए समझते हैं। पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का यानी cos x का क्यूब डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा साइन स्क्वायर x के पावर फाइव प्लस दूसरा डी बाई डी एक्स cos x के पावर क्यूब। अब देखो यार इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स के पावर क्यूब इसका जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा बोलिए तो टू साइन, ठीक है टू साइन। देखिए हम किसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिए इसका किए हैं
स्क्वायर का 2 साइन एक्स के पावर 5 प्लस, अब फिर इसका डिफरेंशिएशन आप करो तो कॉस यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉस, फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स के पावर 5। अभी तक भी खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्या आएगा सर बताओ, तो 5x की पावर 4। भाई थोड़ा ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया है कि पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का। अब ध्यान से देखिए, पहला को जस का तस लिखा है, फिर इसका जब स्क्वायर का पहले कीजिएगा तो स्क्वायर का कीजिएगा तो क्या आएगा 2, फिर साइन एक्स के पावर 5, फिर किसका करेंगे साइन का तो क्या होगा कॉस एक्स के पावर 5, फिर किसका करेंगे इसका थीटा का तो यहाँ पे क्या आएगा 5x की पावर 5 है तो क्या आएगा 5x की पावर 4। ओके, कोई दिक्कत है नहीं बोलो। अब फिर क्या करोगे आप, प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस इनटू, अब देखिए कॉस का क्या होता है तो आप बोलोगे कि सर माइनस साइन होता है, फिर एक्स का, एक्स का यहाँ पे क्यू है तो पहले एक्स का क्यू जस का तस लिख दो, फिर बोलो 3x की पावर स्क्वायर, ये वाला माइनस जो है आगे चल के यहाँ पे माइनस कर देगा तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा यहाँ पे, बताइए। और 5 × 2 = 10 x की पावर 4 cos x का क्यूब, और यहाँ पे देखिए cos x का क्यूब और sin x पावर 5 और cos x पावर 5, फिर बताइए यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस हो गया यहाँ पे देखिए 3x और sin स्क्वायर x के पावर 5, यही हो गया था, यही आपका क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट y इक्वल टू 2√cot x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो dy/dx = 2 तो यार बाहर आ जाएगा, अब इसको तुम क्या लिख सकते हो cot x स्क्वायर इसका पावर 1/2, बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, तो बोलो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2 1/√ यहाँ पे cot, और फिर अब देखिए इसका मैंने कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिए तो क्या होगा cot का होता है माइनस cosec x स्क्वायर, अब फिर बताइए फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है x स्क्वायर का आपका हो गया 2x, बताइए माइनस 2x और यहाँ पे cosec x स्क्वायर/√cot x स्क्वायर, इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। नंबर हम 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को आप कैसे करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहीं पे देख लेते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम क्या करते हैं कि यहीं पे देख लेते हैं, तो लेट क्वेश्चन नंबर 8 लेट y = cos√x, बताइए cos का क्या होगा माइनस साइन √x, अब √x का डिफरेंशिएशन बताइए यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1/2 1/√x, ठीक है, तो माइनस 1/2 sin√x और फिर यहाँ पे √x, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि एक फंक्शन दिया है यानी f(x) = दिया है मॉड ऑफ x-1, कह रहा है कि जो सभी रियल नंबर पे x belongs to R, कह रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है x = 1 पे, चेक करिए क्यों x = 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कैसे हम करेंगे इस बात को यहाँ पे समझने की जरूरत है।
देखिए एक चीज हम आप लोग को बताए थे, एक फार्मूला, इसके लिए हम कौन से फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे समझिए। पहले देखिए इसका डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हमें इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करना, ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और जहां ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस पहले हम कॉन्टिन्यूटी इसकी पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। जब 8x इक्वल टू 1 पे हम इसका क्या करेंगे, इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो बताइए जब आप फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 यानी 0, और 0 यहाँ पे 0 आ जा रहा है। अब देखिए इसके लिए हम लिमिट लगाते हैं एस टेंडिंग टू 0 प्लस, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, f 1 प्लस h यानी c प्लस h माइनस एफ सी बाई क्या होता है जी, एच बाई क्या होता है, एच। पता लिखेंगे कि भाई एफ वन प्लस एच इक्वल टू एक्स की जगह पे आप रखोगे तो क्या होगा, वन प्लस एच माइनस वन, तो यहाँ पे एच वन से वन कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एच। अब बताइए जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच माइनस, अब एफ वन की वैल्यू क्या आया है, 0 बाई 1, तो यहाँ पे एच बाई एच यानी इक्वल टू 1 आ जा रहा है। जब यदि हम लिमिट लेंगे एच टेंडिंग टू 0 माइनस, तब अब बताइए इसके लिए क्या होता है फार्मूला, वही फार्मूला होगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, एच निकालेंगे, इसके लिए भी देखें इसकी वैल्यू अभी कितना आई थी, तो एच आया था, यहाँ पे क्या आया था, एच बाई इसकी वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस एच बाई एच लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं, और जब भी माइनस लेते हैं हमेशा माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों डिफरेंट, तीनों क्या है, एफ वन पर हम चेक किए तो 0 आया, एफ 0 एच टेंडिंग टू 0 यानी 0 प्लस पे चेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1, इस पे क्या आ रहा है, माइनस 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि तीनों के तीनों डिफरेंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हमें क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यही मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेक करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 10 को, क्वेश्चन इंटीजर फंक्शन से हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। पहले 1 पे चेक करते हैं, 8x इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझिए थोड़ा सा। जैसे समझिए कि एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यदि हम इसको वैल्यू 1 देते हैं तो ये हमेशा 1 देता है, यदि हम इसको 2 देते हैं तो हमेशा ये 2 देगा, लेकिन यदि हम यहाँ पे लेते हैं कि 0.1999 तो ये हमेशा लोएस्ट वैल्यू देता है यानी 1 देगा। अगर हम देते हैं 2.999 तो ये हमेशा इसका लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अगर सपोज कीजिए 1.01 दिए तो 1। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब लोएस्ट वैल्यू, जो उसकी सबसे लो वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है क्या हो सकता है, वो हम लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब हम फंक्शन की वैल्यू 1 यहाँ पे रख रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या आ जाता है, 1 आ जाता है यानी 1 आ रहा है। यदि हम इसको चेक करें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस के साथ अधिक ले रहे हैं, तो एक से अधिक यानी 1.99 हो सकता है, 1.28 हो सकता है, तब पर में भी मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यही लिमिट 1 से हम माइनस लेते हैं तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। भाई हम 1 से कम लेंगे, 0.99 ले रहे हैं, 0.98 ले रहे हैं, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, तीनों के तीनों वैल्यू क्या मेरे पे यहाँ पे समान नहीं है, इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा, मेरा फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेम इसी तरह से आप चेक करो 2 पे, तो एक्स इक्वल टू जब 2 आप लोगे तो यहाँ पे भी फंक्शन, यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, 2 होगा। जब आप 2 पे चेक कर रहे हो तो बताओ 2 पे क्या होगा, 2 से अधिक वैल्यू, अगर 2.99 ले रहे होंगे तो अपर में भी मेरा क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पे बताइए 2 यदि हम माइनस ले रहे होंगे
दो से कम, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। तो अभी फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है हमारा। यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। यहाँ पे भी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फिर मिलेंगे आज नेक्स्ट डे को डे में, और तब तक के लिए ओके बाय।